बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का रिव्यू 2 पढ़ेंगे। रिव्यू 2 हमारे पास 8 यूनिट के बाद आया है। फर्स्ट 4 यूनिट्स पढ़ने के बाद हमारे पास फर्स्ट रिव्यू आया था। अब नेक्स्ट 4 यूनिट्स पढ़ने के बाद हमारे पास रिव्यू 2 आया है। रिव्यू कहते हैं जायज़ा। रिव्यू में बेसिकली हम कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ते, बल्कि जो हमने पिछले 4 यूनिट्स पढ़े हैं उन्हीं के टॉपिक्स को हम दोबारा रिवाइज करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक ओरल कम्युनिकेशन का है, तो हम पिछले 4 यूनिट्स में जो ओरल कम्युनिकेशन में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं हम उन्हीं को दोबारा यहाँ पर रिवाइज करते हैं। आए इसको स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स, यहाँ पर हम साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए हुए अल्फाज पढ़ें। एंड टॉक अबाउट, और बात करें अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स, और शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल्स के बारे में बात करें। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स का। शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स का टॉपिक हम पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम उसको रिवाइज करेंगे। हमारे पास नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स 26 हैं, जिनमें हमारे पास वॉवल्स 5 हैं। टोटल अल्फाबेट्स 26 हैं। इन 26 अल्फाबेट्स की हमारे पास टोटल 44 साउंड्स हैं। 26 अल्फाबेट्स की हमारे पास 44 साउंड्स हैं। इन 44 साउंड्स में हमारे पास 20 जो हैं वो हमारे पास वॉवल साउंड्स हैं, बाकी जो बच जाते हैं 24 वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वॉवल की जो तादाद है वो 5 है, लेकिन इन वॉवल्स से आने वाली जो साउंड्स हैं उनकी तादाद हमारे पास 20 है। तो आप देख सकते हैं कि हम वॉवल्स को कई तरीकों से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इनमें हमारे पास एक कैटेगरी शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स की भी आती है। शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स में हम देखते हैं कि साउंड का डिफरेंस होता है। हम वॉवल को शॉर्ट, उसकी जो साउंड आती है वो शॉर्ट आती है, और लॉन्ग वॉवल्स में हम देखते हैं कि जो हमारे पास वॉवल्स हैं उनकी जो साउंड है वो लॉन्ग आती है। वो किस तरह आती है हम इसको देखते हैं, मैं आपको साथ साथ इसके रूल्स भी बताती हूँ। मग, इसमें हमारे पास वॉवल है यू, आप देख सकते हैं मग, ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड है। लीफ, ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड है। हमारे पास, अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, हमारे पास फर्स्ट रूल ये है कि किसी वर्ड में जब सिंगल वॉवल यूज होगा तो वो शॉर्ट साउंड देगा, और जहां पर एक से ज्यादा वॉवल्स यूज होंगे तो वो हमें लॉन्ग साउंड देगा। जैसे आप देख सकते हैं मग, लीफ, स्टॉप, ये हमारे पास शॉर्ट है। एग, ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड है। केयर, ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड है। सी, ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड है। बस, ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड है। सेकेंड रूल हमारे पास ये है कि जो वर्ड लेटर ई पे एंड होता है वो भी हमें लॉन्ग वॉवल साउंड देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं केयर, सी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू लाइक एंड 3 थिंग्स दैट यू डोंट लाइक। 3 ऐसी चीजों के बारे में बात करें जो कि आपको पसंद है, और 3 ऐसी चीजों के बारे में बात करें जो कि आपको नहीं पसंद, जो कि आपको नापसंद है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमने इनको फिल करना है। आई लाइक, मुझे पसंद है। 2 प्ले, 2 ईट, 2 रीड। मुझे खेलना पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद।
टू स्विम, टू थ्रो, गार्बेज, मुझे कूड़ा फेंकना नहीं पसंद, टू सिट, आइडियल, मुझे फारग बैठना नहीं पसंद। या आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने लिखे हैं थ्री थिंग्स दैट वी लाइक एंड थ्री थिंग्स दैट वी डोंट लाइक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग टू स्पीक सीखिए, स्पीक बोलना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, प्रोनाउंस वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव। आपने प्रोनाउंस करनी है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव। ये टॉपिक हम अभी 8th यूनिट में कवर करके आए हैं, इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। डू यू ईट स्वीट्स एवरी डे, क्या आप रोज मीठा खाते हैं? येस आई डू, जी हाँ मैं खाती हूँ। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं खाती। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और ये हमारे पास वीक फॉर्म है। स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म्स हमारे पास वो फॉर्म्स हैं जब हम वर्ड्स को उसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म आ जाती है। वीक ये है कि हम उसको अपनी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं पढ़ते। आप देख सकते हैं कि इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन ये है कि हम डू को बोले, हम डू बोलें, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हमने उसको डोंट बोला है, या हम कहें कि डू नॉट, डू नॉट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म है इसकी। लेकिन जब हमने इसको डोंट लिख दिया है, ये एक ही हमारे पास ये एक ही मीनिंग देते हैं, तो ये हमारे पास इसकी वीक फॉर्म आ गई है। जैसे कि आप देखेंगे हैव में कि जब हम कहते हैं कि आई हैव, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। लेकिन जब हम कहें कि आईव, तो ये हमारे पास इसकी वीक फॉर्म आ जाती है। इस तरह आप इसमें देख सकते हैं वी हैव और इसकी हमारे पास वीक फॉर्म होगी वीव। हैज की भी हमारे पास आती है, हमने हैज की भी पढ़ी है, यहाँ पर डू और हैव की बात की गई है सिर्फ। डू यू ईट स्वीट्स एवरी डे, क्या आप रोज मीठा खाते हैं? येस आई डू, नो आई डोंट। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ये इसकी वीक फॉर्म है। डू यू हैव अ पेंसिल, क्या आपके पास पेंसिल है? येस आई हैव, नो आई हैवंट। ये हमारे पास वीक फॉर्म है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाई डू वी वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग अवर फूड, गिव वन रीजन। व्हाई डू वी वॉश हैंड्स, हम हाथ क्यों धोते हैं बिफोर ईटिंग अवर फूड, अपना खाना खाने से पहले। गिव वन रीजन, कोई एक वजह बताएं। वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोना, रीजन वजह। पूछा गया है कि हम अपना खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं, इसलिए कि हम जरासीम के फैलाव से बच सकें और अगर हमारे हाथ पे कोई गंदगी हो तो वो साफ हो सके। इसको हम पढ़ते हैं इसके आंसर को। व्हाई डू वी वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग अवर फूड, वी वॉश हैंड्स, हम हाथ धोते हैं बिफोर ईटिंग अवर फूड, अपना खाना खाने से पहले। बिकॉज, क्योंकि, इट कीप्स, ये रखता है अस, हमें हेल्दी, सेहतमंद, एंड प्रिवेंट्स, और हमें बचाता है द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम के फैलाव को रोकता है या उसको बचाता है। वी वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग अवर फूड बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी एंड प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। हम खाना खाने से पहले हाथ इसलिए धोते हैं ताकि हम सेहतमंद रह सकें और जरासीम के फैलाव को रोक सकें। स्प्रेड कहते हैं फैलना। बिकॉज, क्योंकि, प्रिवेंट्स, रोकना या बचाना, इन्फेक्शन, जरासीम, ये जरासीम के फैलाव को रोकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, रीड अलाउड। रीड पढ़ें, अलाउड ऊंचा।
ऊंचा पढ़ें। रीड अलाउड एनी ऑफ द पोएम्स फ्रॉम द फोर यूनिट्स। हमारे पास पीछे चार यूनिट्स में कुछ पोएम्स दी हुई हैं, उनमें से कोई सी एक पोएम ऊंचे आवाज से, बुलंद आवाज से पढ़ें। मैं आपको पोएम्स दिखा देती हूँ, इनमें ये पोएम्स फिर आप रिवाइज करें, इनको दोबारा पढ़ें तेज आवाज से, बुलंद आवाज से। हमारे पास यूनिट नंबर 1 में पोएम है इफ यू आर हैप्पी, पेज नंबर 6 पर। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 2 गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इसमें हमारे पास गोल्डन सन पोएम है पेज नंबर 14 पर। यूनिट नंबर 2 इटसेल्फ एक पोएम है, और उसके बाद इसमें पेज नंबर 17 पर एक दूसरी पोएम भी दी हुई है जो कि है मून। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 3 द पीपल आई लव, इसमें हमारे पास पोएम है फिंगर फैमिली पेज नंबर 27 पर। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 4 काइंडनेस टू चिल्ड्रन, इसमें हमारे पास एक नात है पेज नंबर 36 पर। और इसके अलावा हमारे पास इसमें आई थिंक बस हमारे पास यही पोएम्स हैं हमारे पास। जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास यही पोएम्स हैं। इन पोएम्स को आपने बुलंद आवाज में पढ़ना है करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें सिर्फ पोएम्स पढ़नी है बुलंद आवाज के साथ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास रीड द फॉलोइंग साइट वर्ड्स। हमारे पास नीचे कुछ साइट वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनको पढ़ना है। साइट वर्ड्स कहते हैं ऐसे अल्फाज जो कि सबक की पढ़ाई के दौरान हमारे सामने बार बार आते हैं, और इनको याद करना रीडिंग सीखने के लिए जरूरी होता है। कॉल, बुलाना, हेयर, यहां, प्ले, खेलना, यस, हाँ, क्लीन, साफ। कॉल, हेयर, प्ले, यस, क्लीन। ये हमारे पास रीड अलाउड का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड द पैसेज, दिए हुए पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उन सवालात के जवाब दें गिवन एट द एंड, जो कि आखिर में दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, पैसेज है, हमने इसको रीड करना है, और इसको रीड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अलीनास टूथपेस्ट, अलीना हमारे पास नेम ऑफ अ गर्ल है। ये पैसेज उसके टूथपेस्ट के बारे में है, अलीना का टूथपेस्ट। यहाँ पर जब एपोस्ट्रोफी एस लग गया है, इसका ये मतलब है कि अलीना की पोजेशन शो की जा रही है, कि ये जो टूथपेस्ट है ये अलीना का है। और अब हम पैसेज पढ़ेंगे अबाउट अलीनास टूथपेस्ट। अलीना हैज अ स्मार्ट ट्यूब ऑफ ब्लू टूथपेस्ट। अलीना के पास एक नीले कलर का टूथपेस्ट का एक स्मार्ट सा ट्यूब है। इट्स फ्रेंड इज अ येलो टूथब्रश, और उसके ब्लू टूथपेस्ट का फ्रेंड है एक येलो टूथब्रश। इट्स होम, उसका घर है, इज ऑन अ नाइस ग्लास शेल्फ, इनका घर है एक खूबसूरत से ग्लास के शेल्फ पर। अलीना यूजेस इट ट्वाइस अ डे, अलीना इनको इस्तेमाल करती है ट्वाइस, दो बार दिन में दो बार। शी स्टैंड्स, वो खड़ी रहती है नियर द मिरर, खिड़की के पास, सॉरी शीशे के पास। एंड पुट्स द पेस्ट, और वो पेस्ट लगाती है ऑन द टूथब्रश, टूथब्रश पर। वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने टूथब्रश पर पेस्ट लगाती है, टूथपेस्ट लगाती है। देन शी ब्रशेज हर नाइस वाइट टीथ अनटिल दे शाइन, फिर उसके बाद वो अपने खूबसूरत साफ दांतों को ब्रश करती है तब तक जब तक कि वो चमक ना उठे, अनटिल तब तक। दे शाइन, शाइन कहते हैं चमकना, जब तक के वो चमक ना जाए। शी लाइक्स इट एज इट हैज सच अ नाइस टेस्ट, उसको वो टूथपेस्ट पसंद है क्योंकि उसका जायका बहुत
अच्छा है, टेस्ट, जायका। आफ्टर यूज, इस्तेमाल करने के बाद, शी प्लेसेस इट बैक, वो उसको वापस रख देती है ऑन द ग्लास शेल्फ, उस शेल्फ, उस ग्लास के शेल्फ के ऊपर। शी टर्न्स ऑन द टैप, फिर वो नलका खोलती है। इन द सिंक, सिंक में। एंड वॉशेज हर फेस, और वो अपना मुंह धोती है। शी यूजेस सम वाटर, वो कुछ पानी इस्तेमाल करती है। एंड डज नॉट वेस्ट मच, और वो पानी ज़ाया नहीं करती। शी नोज, वो जानती है, वाटर इज इम्पॉर्टेंट, कि पानी ज़रूरी है फॉर एवरी वन, सब के लिए। ये हमारे पास एक पैसेज था जिसमें हमने एलिना के टूथपेस्ट के बारे में पढ़ा कि उसके पास एक ब्लू कलर का टूथपेस्ट है जिसका फ्रेंड एक येलो टूथब्रश है, और ये कि वो दिन में दो दफ़ा उस टूथपेस्ट को यूज़ करती है, और टूथपेस्ट और टूथब्रश को वो एक ग्लास शेल्फ के ऊपर रखती है, और उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और एंड में ये बताया कि वो कम पानी यूज़ करती है क्योंकि उसको पता है कि पानी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास नीचे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन के आंसर्स शॉर्ट हैं, लेकिन ये मैंने लिखे हुए हैं कि अगर कोई मिस्टेक ना हो। व्हाट इज द कलर ऑफ अलीनास टूथब्रश? अलीना के टूथब्रश का क्या कलर है? यहां से अब हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ अलीनास टूथब्रश? अलीना के टूथब्रश का क्या कलर है? अलीनास टूथब्रश कलर इज येलो। अलीना के टूथब्रश का कलर पीला है, येलो कलर है। सेकेंड, वेयर इज द होम ऑफ अलीनास टूथपेस्ट? अलीना के टूथपेस्ट का घर कहां पर है? अलीनास टूथपेस्ट होम इज ऑन अ नाइस ग्लास शेल्फ। अलीना के टूथपेस्ट का घर एक खूबसूरत से ग्लास शेल्फ के ऊपर है। हाउ मैनी टाइम्स डज अलीना ब्रश हर टीथ? अलीना अपने दांत कितनी मर्तबा साफ करती है? अलीना ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे। अलीना दिन में दो मर्तबा अपने दांत साफ करती है। Why do we brush our teeth? हम अपने दांत क्यों साफ करते हैं? We brush our teeth, हम अपने दांत साफ करते हैं to prevent diseases, ताकि हम बीमारियों से बच सके। Prevent, बचना। Diseases, बीमारियों से, या इसमें हम स्पेसिफिकली गम डिजीजेस भी कह सकते हैं, जो कि है मसूड़ों की बीमारी। यहां हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लैंग्वेज फोकस। जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़खीरा अंदोजी, वोकैबुलरी बिल्डिंग में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज के मानी लिखें, एंड नंबर ऑफ सिलेबल्स इन देयर कॉलम, और ये बताएं कि इन अल्फाज में कितने सिलेबल्स हैं। जब हम किसी वर्ड को उसके साउंड के बेसिस पे तोड़ते हैं बीट बाय बीट, तो उसको हम सिलेबल्स कहते हैं। ये हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सिलेबल्स लिखने हैं इन वर्ड्स के, और यहाँ पे हमने मीनिंग लिखना है। ये वर्ड्स हम ऑलरेडी पीछे पढ़ के आ चुके हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के टॉपिक में। ये हमारे पास रिव्यू का टॉपिक है, तो ये वर्ड्स हमारे पास रिपीटिशन में यूज हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सेफ्टी, सेफ टी। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिलेबल्स 2 है। मीनिंग है इसका सेफ फ्रॉम इंजरी और एक्सीडेंट। सेफ्टी कहते हैं हिफाजत, किसी हादसे से
हिफाजत करना, सेफ फ्रॉम इंजरी, किसी जख्म से महफूज, और एक्सीडेंट या किसी हादसे से महफूज। सेकेंड वर्ड है हमारे पास हेलमेट, हेलमेट, इसमें भी हमारे पास टू सिलेबल्स हैं। हेलमेट कहते हैं मेटल, हेड कवरिंग। हेलमेट एक मेटल हेड कवरिंग है जो कि बाइक चलाते वक्त लोग पहनते हैं। थर्ड वर्ड है विक्ट्री, विक्टोरी, विक्ट्री में हमारे पास थ्री सिलेबल्स हैं, टू विन, विक्ट्री जीतना या फतह। लास्ट है हमारे पास चीयरफुल, चीयरफुल, इसमें हमारे पास टू सिलेबल्स हैं, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। ये वाला टॉपिक हमारा एंड होता है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखिए, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। यहाँ पे हमारे पास थ्री कॉलम्स बने हुए हैं, हमने इन थ्री कॉलम्स में देखना है कि कौन से, कि कहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग लिखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आर ए एन ई, आर ए आई एन, आर ए ई एन, रेन, बारिश। सेकेंड वर्ड है हमारे पास जी ए आई एम, जी ए ई एम, जी ए एम ई, गेम, जी ए एम ई, खेल। थर्ड वर्ड है हमारे पास सी एच आई एल डी आर ई एन, सी एच आई एल डी आर ए एन, सी एच आई एल डी ए आर एन, चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन, बच्चे। पी एल आई ए एस ई, पी एल ई ए एस ई, पी एल ए ई एस ई, प्लीज, पी एल ई ए एस ई, प्लीज। जब किसी से मिन्नत समाजत की जाती है, प्लीज। यहाँ पे हमारे पास रेन, गेम, चिल्ड्रन, प्लीज, ये हमारे पास इसमें करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्रामर, ग्रामर में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है सेपरेट नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। सेपरेट, अलग करें नाउन्स, नाउन्स को, एंड एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स को, नाउन इसम, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त। फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस, दिए हुए फ्रेजेस में से, एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स, और उनको अपने अपने कॉलम्स में लिखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक वर्ड बैंक दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेजेस दी हुई हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं कि ये वर्ड नहीं है, सिंगल वर्ड नहीं है, बल्कि फ्रेज है। हमारे पास दो दो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, लॉन्ग शर्ट, लॉन्ग शर्ट, लंबी शर्ट, ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा, स्वीट डिश, मीठी, कोई मीठी चीज, क्लीन रूम, साफ सुथरा कमरा, नाइस ड्रेस, खूबसूरत कपड़े। पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या है हमारे पास। नाउन हमारे पास एनी नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। ये हमारे पास इसम है, किसी भी जगह, चीज या शख्स का नाम। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को, किसी भी नाउन की क्वालिटी बयान करना, क्वालिटी को डिस्क्राइब करना, ये हमारे पास एडजेक्टिव आते हैं। एडजेक्टिव हम इस बुक में कई सारे काइंड्स के पढ़ चुके हैं, जिसमें एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास इनमें से नाउन्स कौन से हैं और हमारे पास इसमें से एडजेक्टिव्स कौन से हैं। हमने उनको अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है। फर्स्ट फ्रेज है हमारे पास लॉन्ग शर्ट, लॉन्ग शर्ट। अब इसमें हमारे पास शर्ट क्या है, ये हमारे पास नाउन है,
नेम ऑफ अ थिंग है ये। लॉन्ग हमारे पास क्या है? लॉन्ग हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ साइज है कि वो जो शर्ट है वो लंबी है। सेकेंड फ्रेज है हमारे पास ब्लैक हॉर्स, इसमें हमारे पास नेम ऑफ अ एनिमल है ये हॉर्स, ये हमारे पास नाउन आ गया है। ब्लैक हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ कलर है, ये हॉर्स का, हॉर्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि हॉर्स का कलर कैसा है, तो ये हम एडजेक्टिव के कॉलम में लिखेंगे। थर्ड है हमारे पास स्वीट डिश, डिश हमारे पास नेम ऑफ अ थिंग है, तो ये हमारे पास नाउन में आ गया है, जबकि डिश का स्वीट होना ये हमारे पास एडजेक्टिव है। स्वीट हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसकी सिर्फ क्वालिटी बयान की जा रही है कि वो जो डिश है वो कैसी है। फोर्थ है हमारे पास क्लीन रूम, रूम हमारे पास नेम ऑफ अ प्लेस है, तो ये हमारे पास नाउन में आएगा, जबकि क्लीन हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि वो जो रूम है वो साफ सुथरा है। लास्ट है हमारे पास नाइस ड्रेस, ड्रेस हमारे पास नाउन है, नेम ऑफ अ थिंग है, जबकि नाइस हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये ड्रेस की क्वालिटी को बयान कर रहा है। आप देख सकते हैं शर्ट हॉर्स डिश रूम ड्रेस, ये हमारे पास नाउन्स हैं। लॉन्ग ब्लैक स्वीट क्लीन नाइस, ये हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस इन द गिवन सेंटेंसेस। हमारे पास नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उनमें प्रेपोजिशंस को अंडरलाइन करना है। प्रेपोजिशन का जो वर्ड है ये हमारे पास, इसमें हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है प्री और एक है पोजिशन। पोजिशन आपको पता है कि ये किसी भी पोजिशन कहते हैं, हम किसी चीज़ की पोजिशन, प्री कहते हैं पहले। प्रेपोजिशंस हमारे पास क्या हैं? प्रेपोजिशंस हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन फ्रेज को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से मिलाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, द बाउल द चेयर द टेबल द माउंटेन्स, ये हमारे पास नाउन फ्रेजेस हैं। आपने ऊपर भी नाउन फ्रेजेस पढ़े हैं, यहाँ हमारे पास ये भी नाउन फ्रेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेंटेंस है। अब हमारे पास इसमें प्रेपोजिशन क्या है, वो है इन ऑन अंडर ओवर, ये हमारे पास उस नाउन की पोजिशन को क्लियर करता है। अब अगर आप इस सेंटेंस से प्रेपोजिशन को निकाल दें तो आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो आप देखेंगे कि आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ ही नहीं आएगा। पोर द वाटर द बाउल, पानी बाउल में डालो, पोर द वाटर डाल दो द बाउल बाउल में, अब पानी इन द बाउल बाउल में डाल दो। अब हमें पता है कि हमने पानी कहाँ पे डालना है, वी सिट द चेयर, हम बैठते हैं, द चेयर कुर्सी, कुर्सी पर, अ कैट इज द टेबल, बिल्ली टेबल, अंडर द टेबल नीचे है, द क्लाउड्स आर द माउंटेन्स, बादल पहाड़, ओवर द माउंटेन्स पहाड़ों के ऊपर है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर इन ऑन अंडर ओवर, ये हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं जो कि नाउन फ्रेज को सेंटेंस के बाकी पोर्शन से मिला रहे हैं, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे प्रेपोजिशंस हैं जैसे एट, अपॉन, अप, अमंग, बिटवीन, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं। इनको हम उर्दू में कहते हैं हुरूफ़े जार। प्रेपोजिशन का टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट नीचे टॉपिक नेक्स्ट पर चलते हैं। यूज द वर्ब कैन एज एबिलिटी, एबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, काम करने की सलाहियत को। यूज द वर्ब, वर्ब का इस्तेमाल करें कैन, किस वर्ब का,
वर्क कैन का एज एबिलिटी सलाहियत के तौर पर राइट थ्री थिंग्स तीन ऐसी चीजें लिखें यू कैन डू जो कि आप कर सकते हैं एंड टू थिंग्स और दो ऐसी चीजें लिखें यू कैन नॉट डू जो कि आप नहीं कर सकते इन योर नोटबुक्स अपने नोटबुक्स में लिखें। अब हमने तीन ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जिनमें हमने कैन यूज करना है और तीन दो सेंटेंसेस हमने ऐसे लिखने हैं जिसमें हमने कैन नॉट यूज करना है। यहीं पे मैं लिख देती हूं आई कैन प्ले आई कैन राइट आई कैन ईट एटसेट्रा एटसेट्रा काफी सारे हो सकते हैं। अब हम कैन नॉट पर लिखते हैं आई कैन नॉट स्विम आई कैन नॉट ड्राइव। आप इसी को दोबारा भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट रीड आई कैन नॉट प्ले एटसेट्रा एटसेट्रा। पेज नंबर 92 पर फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्लीट द गिवन टेबल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस। यहाँ पे हमारे पास टेबल्स दिए हुए हैं ये सिंगुलर और प्लूरल के टेबल्स हैं सिंगुलर वाहिद प्लूरल जमा नाउंस इसम। ये हमारे पास सिंगुलर प्लूरल का टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर का बॉक्स है यहाँ पर प्लूरल का यहाँ पर सिंगुलर का यहाँ पर प्लूरल का। आप देख सकते हैं कि कुछ सिंगुलर बॉक्सेस फिल है कुछ प्लूरल बॉक्सेस। आई इनको स्टार्ट करते हैं फॉक्स फॉक्सेस बेबी बेबीज। अब यहाँ पर आप देखें कि प्लूरल का बॉक्स फिल है सिंगुलर का खाली है। अब हम सिंगुलर का फिल करेंगे प्लूरल लिखा हुआ है टॉयज हम यहां पर लिखेंगे टॉय सिंगुलर फ्रेंड प्लूरल फ्रेंड्स ब्रश ब्रशेस इको इकोज। आपने देखा कि यहां पर हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के डिफरेंट रूल्स अप्लाई किए हैं कुछ के साथ हमने es ऐड किया है कुछ के साथ ies कुछ के साथ सिर्फ s यहाँ पर भी आप देख सकते हैं es es और s का इजाफा हमने किया है। मैं आपको यहाँ पे कुछ रूल्स बता देती हूँ इस बुक में हमने सिंगुलर प्लूरल के रूल्स बहुत डिटेल से नहीं पढ़े। आप x देख सकते हैं x के साथ इसके अलावा o के साथ sh के साथ किसी वर्ड के एंड में जब x, o या sh आए तो उसका प्लूरल बनाते वक्त हम उसमें es का इजाफा करेंगे। अब हम बात करेंगे y की जब किसी वर्ड का लास्ट लेटर y हो और उस y के लेटर से पहले जो उससे पहले वाला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट हो तो हम उस वर्ड का प्लूरल बनाते वक्त ies का इजाफा करेंगे जबकि किसी वर्ड का लास्ट लेटर जब y हो और उससे पिछला लेटर हमारे पास वोवल आ जाए तो उसके साथ हम सिर्फ s का इजाफा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं x जब हमारे पास लास्ट लेटर आया तो उसके साथ हमने es का इजाफा किया है y और y से पहले पिछला लेटर जो है हमारे पास वो b है b हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो उसका प्लूरल बनाते वक्त हमने ies का इजाफा किया है। यहाँ पर हमारे पास फिर से लास्ट लेटर y है लेकिन उससे जो पिछला लेटर है वो o है वो हमारे पास वोवल है इसलिए हमने उसके साथ सिर्फ s का इजाफा किया है। फ्रेंड फ्रेंड्स ब्रश sh उसके साथ हमने es का इजाफा किया है o के साथ हमने es का इजाफा किया है। यहां हमारा सिंगुलर प्लूरल का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं राइटिंग लर्निंग टू राइट लिखना सीखें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहां पर हमने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगाने हैं ही डैश मी टू प्ले द मैच वॉन्ट वॉन्ट्स। यहां पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं अब हमने एक इसमें से करेक्ट आंसर चूज करके यहां पर लिखना है इसमें हम लिखेंगे वॉन्ट्स।
ये हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। तो इसमें हमारे पास वांट्स आएगा, द टीचर विल टॉक टू द क्लास मॉनिटर। ये हमारे पास फ्यूचर टेंस है, विल टीचर क्लास मॉनिटर से बात करेंगी। अभी उन्होंने की नहीं है बल्कि वो फ्यूचर में उनसे करेंगी, तो यहां पर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टॉक हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द टीचर डैश द आर्ट वर्क ऑफ द क्लास, द टीचर लाइक्स। यहां पर भी आप देखें बिल्कुल फर्स्ट जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक था उसकी तरह ये हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, और द टीचर हमारे पास सिंगुलर है तो इसलिए उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। रिजवान डैश हैप्पी दैट डे, रिजवान वाज हैप्पी दैट डे। दैट डे को अब हम देखेंगे उस दिन, वो दिन गुजर चुका है, ये हमारे पास पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, वाज और वर। वाज लगाया जाता है ही शी इट सिंगुलर के साथ, वर लगाया जाता है दे वी यू प्लूरल के साथ। यहां पे रिजवान हमारे पास सिंगुलर है तो इसलिए हमने इसके साथ वाज लगाया है। इस हम लगाएंगे जब हमारे पास प्रेजेंट टेंस होगा। ये हमारे पास पास्ट टेंस है, गुजरे हुए जमाने की बात की गई है कि रिजवान उस दिन बहुत खुश था इसलिए हमने उसके साथ वाज लगाया है। ये हमारा टॉपिक एंड होता है। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। राइट इन योर नोटबुक्स, अपने नोटबुक्स में लिखें अ स्टोरी, एक कहानी। विद अ बिगनिंग, शुरुआत के साथ, मिडिल दरमियानी हिस्सा, एंड एंड और आखिरी हिस्सा ऑन द गिवन प्रॉम्प्ट। हमारे पास यहाँ पर एक प्रीकैप सा दिया हुआ है, हमें हिंट दी हुई है कि हमने स्टोरी किस टॉपिक पर लिखनी है। इस टॉपिक पर स्टोरी लिखते हुए हमने बिगनिंग का ख्याल रखना है, हमने उसको हाईलाइट करना है कि ये कहानी की बिगनिंग पोर्शन चल रहा है, उसके बाद हमने मिडिल पोर्शन स्टार्ट करना है और एंड में हमें एंड पोर्शन स्टार्ट करना है। किसी भी कहानी को शुरू करते वक्त हमारे पास एक पोर्शन आता है बिगनिंग, जहां पर कहानी शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहानी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच जाती है जो कि हमारे पास दरमियानी हिस्सा होता है, और फिर वो कहानी वापस अपने एंड पर आ जाती है। तो किसी भी कहानी के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, बिगनिंग, मिडिल और एंड। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन दी हुई है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर हम इसे एक कहानी लिखेंगे जिसमें बिगनिंग, मिडिल और एंड पार्ट को हम हाईलाइट करके पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, अनस सॉ अ स्पैरो, अनस ने एक चिड़िया देखी, हुज विंग वॉज ब्रोकन, जिसकी जिसका जो पर है, जो विंग है वो ब्रोकन, वो टूटा हुआ था या वो जख्मी था। अब हम कहानी को पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। ये हमारे पास रिव्यू टू का टॉपिक है, क्रिएटिव राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। पहले हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। बिगनिंग, वन डे, एक दिन, अनस सॉ अ स्पैरो, अनस ने एक चिड़िया देखी, हुज विंग वॉज ब्रोकन, जिसके पर टूटे हुए थे। अनस फेल्ट सैड फॉर द स्पैरो, अनस को उस चिड़िया के लिए बुरा लगा, एंड वॉन्टेड टू हेल्प, और उसने चाहा कि वो उसकी मदद करे। हमारे पास बिगनिंग क्या हुई, कहानी स्टार्ट होती है कि अनस ने एक दिन एक चिड़िया देखी जिसके पर टूटे हुए थे, और अनस को उस चिड़िया के लिए बहुत बुरा लगा, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हुआ। अब हमारे पास आएगा मिडिल पोर्शन, कि जब उसने इरादा किया कि मैंने इसकी मदद करनी है और उसको चिड़िया के लिए बुरा लगा, तो उसके बाद क्या हुआ। मिडिल पोर्शन, ही जेंटली, उसने आराम से पिक्ड, उठाया अप द स्पैरो, उसने आराम से उस चिड़िया को उठाया, एंड ब्रॉट, और वो ले आया, इट टू हिज होम, और वो उस चिड़िया को अपने घर ले आया। अनस मेड अ कॉजी नेस्ट, अनस ने एक आरामदा घोंसला बनाया, फॉर द बर्ड, चिड़िया के लिए,
एंड गेव इट सम वाटर, और उसको कुछ पानी दिया, एंड ब्रेड टू ईट, और उसको खाने के लिए पानी और ब्रेड दिया. ही टोल्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने वालिदैन को बताया अबाउट द स्पैरो, उस चिड़िया के बारे में. एंड देन दे टुक द स्पैरो टू अ काइंड एनिमल डॉक्टर, उसने अपने वालिदैन को बताया और फिर वो उस चिड़िया को एक रहम दिल डॉक्टर के पास ले गए. एनिमल डॉक्टर को वेट भी कहते हैं, यहाँ पे मैंने एनिमल डॉक्टर लिखा हुआ है. द डॉक्टर फिक्स्ड, डॉक्टर ने ठीक किया द बर्ड्स विंग, उसके परों को. एंड सून इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई, और जल्द ही वो इतनी मजबूत हो गई कि वो उड़ सके. ये हमारे पास मिडिल पोर्शन था जिसमें अनस चिड़िया को डॉक्टर के पास लेकर गया है और उसको उसका ख्याल रखा है उस चिड़िया का. अब हम एंड पोर्शन की तरफ आते हैं. एंड अनस वॉज सो हैप्पी, अनस बहुत खुश था टू सी द स्पैरो फ्लाई अवे, जब उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो अनस बहुत खुश था. अनस लर्न्ड, अनस ने सीखा दैट बीइंग काइंड, के रहम दिल होना, एंड हेल्पफुल, और किसी की मदद करना. इवन विथ टाइनी बर्ड्स, चाहे वो एक छोटा सा परिंदा ही क्यों ना हो, कैन मेक, बनाता है द वर्ल्ड, ये दुनिया अ हैप्पी प्लेस, एक खुशहाल जगह. अनस ने सीखा कि रहम दिली और किसी की मदद करने से, चाहे वो छोटे से परिंदे ही क्यों ना हो, इस दुनिया को रहने की एक बेहतर जगह बनाते हैं. ये हमारे पास स्टोरी थी जिसमें हमने बिगिनिंग पोर्शन पढ़ा, फिर हमने मिडिल पोर्शन पढ़ा, और फिर हमने एंड पोर्शन पढ़ा. हमने देखा कि एक कहानी शुरू होती है, फिर वो क्लाइमेक्स तक पहुंच जाती है, उसका टॉपिक, मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टॉपिक अपने इख्तिताम तक पहुंच जाता है. तो हमने ये स्टोरी देखी जिसमें हमने बिगिनिंग, मिडिल और एंड पॉइंट जो है इसको डिस्कस किया. हमारा ये वाला टॉपिक एंड होता है. अब हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं. इनकरेज स्टूडेंट्स, बच्चों की हौसला अफजाई करें टू ब्रेन स्ट्रॉम आइडियाज अबाउट द गिवन प्रॉम्प्ट. ये जो हमारे पास स्टोरी दी हुई थी कि बच्चों से कहें कि इसके बारे में बात करें, मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको इसी टॉपिक, यही टॉपिक हमारे पास था. मैंने आपको इसमें थर्स्टी क्रो पढ़ाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. उसमें हमने थर्स्टी क्रो को बिगनिंग, मिडिल और एंड पोर्शंस में डिवाइड करके उसको हमने पढ़ा था. आप वो वीडियो भी देखें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. खुद से भी कोई दूसरी स्टोरी सेलेक्ट करें और उसको इसी तरह तीनों पोर्शंस में डिवाइड करके उसको लिखें, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके. थैंक यू.